देश के पूर्वी हिस्सों में एक बार फिर आंधी तूफान का कहर। यूपी और बिहार में आंधी तूफान की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई। बिहार के गया, कटिहार, औरंगाबाद में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। बिहार के औरंगाबाद में बिजली गिरने से घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं, 1 युवती और 1 बच्चा शामिल है। बताया जाता है कि सभी खेतों में काम कर रहे थे। बिहार के गया में भी आंधी तूफान ने कहर बरपाया है। यहां अलग अलग गांव में आंधी तूफान की चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। बिहार के कटिहार में भी विनाशकारी तूफान ने 3 लोगों की जान ले ली, जबकि 2 बच्चे घायल हैं। यहां तूफान की वजह से कई घर तबाह हो गए। गर्मी और लू के बीच यूपी के कन्नौज में बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश के साथ ओले गिरे, लोगों को मिली गर्मी से राहत। मॉनसून ने केरल में दस्तक दी है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अल्लापुझा, कोझिकोड और कोच्चि समेत केरल के कई इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 2 सालों की तरह इस साल भी मॉनसून सामान्य रहने का अनुमान। गर्मी का कहर जारी है। कल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बेहद गर्मी रही। यहां खजुराहो में 48.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में भी तापमान 45 डिग्री के पार गया। लगातार 16वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। आज पेट्रोल 16 पैसे महंगा हो गया है और डीजल के भाव 14 पैसे और बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 78.43 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल के दाम 86 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुके हैं। पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ने की वजह से अब सब्जियां भी महंगी हो रही हैं। खुदरा मंडी में आलू के दाम 5 से 7 रुपये प्रति किलो बढ़ गए हैं। तेल के भाव बढ़ने की वजह से ढुलाई का किराया बढ़ गया है। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आलू 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं आलू कारोबारियों के मुताबिक पिछले साल आलू की बहुत ज्यादा फसल बर्बाद हो गई थी, जिस डर से किसानों ने आलू की खेती कम की है। इस वजह से भी आलू के दाम बढ़े हैं। देश में पिछले 2 हफ्तों से हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इस बीच भारत नेपाल बॉर्डर पर पेट्रोल डीजल की तस्करी का नया धंधा शुरू हो गया है। नेपाल में भारत के मुकाबले पेट्रोल और डीजल की कीमत कम है, इसलिए सीमावर्ती लोग बड़े पैमाने पर नेपाल से पेट्रोल डीजल भारत ला रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों जैसे कि बहराइच, रक्सौल, सीतामढ़ी में तेल तस्करी के अवैध कारोबार का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया है। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि लोग भारत से पेट्रोल डीजल न लेकर नेपाल से खरीद रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने फिर पाकिस्तान को चेताया। बोली, पाकिस्तान से बातचीत का विकल्प खुला है, लेकिन आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। मानसरोवर झील में श्रद्धालुओं के स्नान पर रोक लगाने की खबरों पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की सफाई। बोली, मानसरोवर में स्नान पर कोई रोक नहीं है, लेकिन आप कहीं भी डुबकी नहीं लगा सकते। मानसरोवर झील में इसकी जगह तय है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए श्रद्धालुओं ने शिकायत की थी कि चीनी अफसर उन्हें मानसरोवर झील में डुबकी लगाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आरएसएस ने अपने 800 नए प्रचारकों की ग्रेजुएशन सेरेमनी जैसे समारोह को संबोधित करने के लिए बुलाया। आरएसएस सूत्रों के मुताबिक 7 जून को नागपुर में होने वाले इस कार्यक्रम में आ सकते हैं प्रणब मुखर्जी। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 जून तक विदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर जाएंगे। उनके इस दौरे का मकसद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को और बेहतर बनाना है। मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे और राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ अगले दिन जकार्ता में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यूपी के केराना लोकसभा उपचुनाव में बहस, 54% मतदान। भीषण गर्मी और कई जगह ईवीएम में खराबी से कम रहा मतदान। 31 मई को आएंगे नतीजे। बीजेपी के मृगांका सिंह और आरएलडी एसपी के संयुक्त उम्मीदवार तबस्सुम हसन के बीच टक्कर। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के मुताबिक बिजनौर जिले की नूरपुर विधानसभा में 61% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने माना कि नूरपुर विधानसभा उपचुनाव में 29 ईवीएम खराब हुई, जिन्हें वक्त रहते ठीक कर लिया गया या बदल दिया गया। यूपी और महाराष्ट्र में लोकसभा उपचुनाव के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से हुई ईवीएम में गड़बड़ियों की शिकायत। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर रामगोपाल यादव, चौधरी अजीत सिंह, कांग्रेस के आरपीएन सिंह ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे और केराना के बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह ने भी ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई। केराना लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग की व्यवस्था ध्वस्त है, उन्होंने कभी भी इतनी बड़ी तादाद में ईवीएम में खराबी नहीं देखी। मृगांका ने कहा, 100 से ज्यादा जगहों पर ईवीएम खराब हुई है।
महाराष्ट्र के पालघर और गोंदिया भंडारा लोकसभा उपचुनाव में भी मतदाताओं ने की ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत। पालघर में 46% तो गोंदिया भंडारा में करीब 40% ही वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी ने कम वोटिंग के लिए बीजेपी सरकार को घेरा। शिवसेना के संजय राउत और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने ईवीएम पर सवाल उठाए। केरल में मॉनसून की बारिश के बीच कल मतदाताओं ने जमकर उत्साह दिखाया। केरल की चिंगनूर विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड 76% मतदान हुआ। नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने भी दिखाया उपचुनाव में उत्साह। नागालैंड की लोकसभा सीट पर उपचुनाव में 70% वोटिंग हुई। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो के लोकसभा से इस्तीफा देने की वजह से हुआ उपचुनाव। आज शाम 4 बजे सीबीएसई 10वीं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। करीब 16 लाख बच्चों ने 10वीं की परीक्षा दी है। सीबीएसई 10वीं के परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in और cbse.nic.in जारी किए जाएंगे। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे 26 मई को ही घोषित किए जा चुके हैं। सीबीएसई 2018 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में दुनिया भर से 28 लाख से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी कल्याणी बुधवार को किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करेंगे। सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद कर्नाटक रवाना होने से पहले उन्होंने यह ऐलान किया। दिल्ली में मोदी से काफी गर्मजोशी से मिले कुमारस्वामी। कर्नाटक के सीएम ने पीएम मोदी को टोपी और माला पहनाई। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट का पॉपर प्लांट अब हमेशा के लिए बंद होगा। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम ओ पनीर सेल्वम ने इस बात का ऐलान किया। स्टरलाइट प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने बंगला खाली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने के आखिर तक बंगला खाली करने को कहा था। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस 1 जून से 30 जून तक केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन के मुताबिक दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है। इस दौरान कांग्रेस नेता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर पानी की समस्या उजागर करेंगे। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन का कल उद्घाटन हो गया है। करीब 25 किलोमीटर की इस लाइन पर पड़ने वाले आईआईटी मेट्रो स्टेशन के नाम पर विवाद हो गया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट फिजी के नाम पर स्टेशन का नाम रखने को लेकर आईआईटी दिल्ली ने एतराज जताया। कोर्ट में अपील करेगी आईआईटी। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर आज से आप कर सकेंगे यात्रा। जनकपुरी पश्चिम और कालका जी मंदिर के बीच की 24 किलोमीटर लंबी दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन का कल उद्घाटन होने के बाद इसे आज से आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। इस लाइन के शुरू हो जाने से नोएडा और गुड़गांव के बीच की यात्रा में कम से कम आधा घंटा बचेगा। इस लाइन पर कुल 16 स्टेशन है जिसमें से 14 स्टेशन अंडरग्राउंड है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने बैंक से कैश और हथियार लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आतंकियों ने अनंतनाग के बिज बेहड़ा इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक की एक शाखा पर हमला करते हुए करीब 1,80,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। इस दौरान आतंकियों ने बैंक के गार्ड से 12 बोर की राइफल भी लूट ली। इलाहाबाद में सड़क हादसे में बीएससी के छात्र की मौत के बाद उसके नाराज साथियों ने जमकर हंगामा किया। नाराज छात्रों ने छात्र को कुचलने वाली रोडवेज बस को आग के हवाले कर दिया। छात्रों ने जमकर पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि किराए को लेकर छात्र की बस के कंडक्टर से कुछ कहासुनी हो गई जिसके बाद उसे चलती बस से उतरना पड़ा था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आवारा कुत्तों ने 2 साल की बच्ची को मार डाला। मामला गोविंदपुरी इलाके का है। यहां घर के बाहर बच्ची खेल रही थी, आवारा कुत्ता उससे लिपट गया। कुत्ता बच्ची को उठाकर खेत की तरफ ले गया जहां पर कई और कुत्ते मौजूद थे। बच्ची को कई जगहों पर कुत्ते के दांत लगे जिससे उसकी मौत हो गई। प्रशासन की तरफ से नहीं ली गई कोई खबर। यूपी की बस्ती में नाबालिग भांजी को मनचलों से बचाने गए मामा की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। भांजी मोबाइल चार्ज करने जा रही थी कि तभी लौटते समय मनचले उसे छेड़ने लगे। लड़की ने जब शोर मचाया तो दौड़कर मामा मौके पर पहुंचा। मनचलों ने मामा को ईंट और डंडों से पीटा जिसके बाद घायल मामा की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए हैं। तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के आगरा में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली। कानून हाथ में लेकर कार्यकर्ताओं ने मूर्ति तोड़ने के आरोप में एक शख्स को बुरी तरह पेड़ से बांधकर पीट डाला। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शख्स पर शाहगंज इलाके के राधा कृष्ण मंदिर में रखी हनुमान की मूर्ति तोड़ने का आरोप था। बिहार के गया में दबंगों ने 2 सगे भाइयों को घर में घुसकर
रॉड और हॉकी स्टिक से बेरहमी से पीटा, जिससे इलाज के दौरान एक भाई की मौत हो गई। दरअसल दोनों भाइयों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बैठने के लिए मिली गंदी चटाई पर बहस के बाद लड़ाई छिड़ गई। दबंगों ने पुलिस केस न करने की धमकी दी, जिससे डरकर परिवार ने भी शिकायत दर्ज नहीं की, लेकिन एक भाई की मौत के बाद गुस्साई भीड़ हिंसक हो गई, सड़क जाम कर वाहनों के शीशे तोड़ डाले। आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।